Students, how are you? I hope you all are fine. Okay, so here, welcome to Navnidhi International School online video platform. Okay, in this video, we will study about the concept of a real number. Okay, in previous video, we studied about the real numbers. Are here, we will study continue the power part. ओके फर्दर पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे. ओके इन सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. यानी प्रीवियस पार्ट में हमने एल्गोरिदम पढ़े थे. ओके यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन लेमा मेथड हम पढ़े थे. ओके वी स्टडीड एंड हियर वी विल कंटिन्यू द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके In your earlier classes, you have seen the any natural number can be written as a product of a prime factor. हम earlier classes में पढ़े थे कैसे कि किसी भी number को हम जब लिखेंगे prime factorize करके लिखते हैं. ठीक है. And for instance, जैसे 2 is equal to 2, 4 is equal to 2 into 2, and 9 is equal to 3 into 3, इस तरह से हमें लिखते हैं. So, and so on now, let us try to look the natural number from the other direction. That is, can any natural number be obtained by the multiplying prime number? Let us see. ठीक है. Take any recollection of prime number, जैसे 2. A prime number तो हमें पढ़ जानते हो कि the number which has only 2 factor is called a prime number. For example, 2, okay, 3, 7, 11, 23. Okay, these all are the prime number because it has only 2 factor. Okay. If we multiply sum of all these numbers, allowing them to repeat as many times as we wish, we can produce a large collection of positive integer. अगर दी उसमें हमें कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करेंगे. इनफैक्ट इन्फिनेटली मैनी. लेट अस जैसे 7 इंटू 11 इंटू 23, तीनों को मल्टीप्लाई करो एक बड़ा नंबर निकल गया. 37 इंटू 11 इंटू 23, ये भी नंबर फाइंड हो गया. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के आए हो, और इसके बारे में आगे और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. सो वी हैव द फैक्टराइज 32,760 को फैक्टराइज करना है. ये आप लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके हो. वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस फर्दर. सो नाउ वी विल क्लियर हियर द थियरियम 1.2. ओके आपको ध्यान रखना 1.2 थियरियम आपको किस तरह से है. फंडामेंटल थियोरियम ऑफ अरिथमेटिक. ओके एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अब एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर होती क्या है? द नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके दो फैक्टर से ज़्यादा होते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल 4, 4 हैज मोर देन टू फैक्टर बिकॉज 1, 2 एंड 4. ओके सो 6, एंड 6 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 इज 1, 2, 3 एंड 6. ओके दिस द कंपोजिट नंबर. और कंपोजिट जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. और अगर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा. कैसे? ना 6 बना तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 बना. तो 2 इंटू 3 है तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हुआ कि नहीं? जैसे 4 है 2 इंटू 2 दोनों प्राइम नंबर है. जैसे 9 है 3 इंटू 3 दोनों प्राइम नंबर है. तो इस तरह से आपको दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर बनती है. ठीक है. अब उसके लिए आपको बोलना नहीं है, आप जान चुके होंगे. ठीक है. सो नाउ द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. अभी मैंने आपको बताया. सो एक्चुअली इट सेज मोर. ओके कुछ और ज़्यादा आपको बोलता है. इट सेज दैट गिवन एनी कंपोजिट नंबर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिक वे. सो एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑकर दैट इज गिवन एनी कंपोजिट नंबर देर इज वन एंड ओनली वन टू राइट इट्स प्रोडक्ट प्राइम एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ए पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर एंड इन विच द प्राइम्स ऑकर. सो फॉर एग्जाम्पल
टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन, आप ये सब को मल्टीप्लाई कर दो, एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ पॉसिबल ऑर्डर इन विच दिस प्राइम आर रिटन, द फैक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक, ओके, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल फाइव। ओके, एग्जाम्पल फाइव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉन्सिक्वेंटली ओके लुक एट हियर, सो एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल फाइव, कंसिडर द नंबर फोर टू द पावर एन। यहाँ पे एक नंबर है जिसमें आपको फोर टू द पावर, फोर का पावर कुछ भी होगा, एन मतलब कोई भी नंबर होगा, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी एक नंबर होगा, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन, ऐसा एन का ऐसा कोई वैल्यू होगा जो कि फॉर विच फोर टू द पावर एन, यानी अगर ये जो नंबर हम फाइंड करेंगे एंड्स विथ द डिजिट जीरो, ओके, क्या लास्ट में जीरो आएगा, फोर का पावर एक ऐसा कोई नंबर होगा, माने एन एक कोई भी नंबर लेंगे जो पूरा टोटल नंबर आपको जीरो में कंप्लीट होगा। अब जीरो में कंप्लीट होती है का मतलब क्या होती है ना, आपको जैसे माने फोर टू द पावर फाइव लेंगे तो फोर इंटू फोर फाइव बार होगा, फोर टू द पावर टेन लेंगे फोर को ही कंटिन्यू करेंगे, तो हमें जीरो कब आएगा, जब उसका फैक्टर आपको टू एंड फाइव आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो, इफ द नंबर फोर टू द पावर एन, अगर दी फोर टू द पावर एन फॉर एनी एन, एन हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेयर टू एंड विद द डिजिट जीरो, जीरो अगर दी हमें फाइंड करना है, देन इट वुड बी डिवाइजिबल बाई फाइव। ओके, आपको ध्यान रखना है अगर दी किसी भी नंबर का लास्ट में अगर दी जीरो आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो फैक्टर होना चाहिए, यानी फाइव में डिवाइजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको फाइव में डिवाइजिबल होनी चाहिए, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टू द पावर एन, और वो फोर टू द पावर एन जो होल नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए, तो वुड कंटेन द प्राइम फाइव। ओके, और वो आपको प्राइम नंबर फाइव देगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, फोर टू द पावर एन इज इक्वल टू 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 द पावर टू एन। ओके, अब हमें पॉसिबल नहीं है, अगर दी हम फोर को हम टू में पावर कर देंगे तो टू ऊपर चला जाएगा तो टू एन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, अब टू एन होगा तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर लोगे तो टू आएगा, वही है। सो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ओके ऑफ फोर टू द पावर इज टू, ओके, जो आपको टू आएगा। ठीक है, अभी ये नंबर, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थियोरियम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टू द पावर एन, यानी ये जो फोर टू द पावर एन में आपको कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, दैट इज टू। ओके, अगर द टू होगा तो हमें और एक चाहिए फाइव, क्योंकि अगर एंड में जीरो लाना है तो आपको दोनों होना चाहिए, टू आना चाहिए और फाइव आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ टू ही लिखा है। ठीक है, सो थियोरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टू द पावर एन, सो देर इज नो नेचुरल नंबर एन, यानी देर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच फोर टू द पावर एन एंड्स विद द डिजिट जीरो। ओके, यानी एन में हम ऐसा कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे जिसके द्वारा पूरा फोर टू द पावर एन आपको लास्ट में जीरो आएगा। अगर दी एन के जगह पर हम अगर दी टू लेते हैं तो आपको फोर फोर जार सिक्सटीन होगा, थ्री लेंगे तो फोर इंटू फोर होगा, फोर लेंगे तो फोर इंटू फोर होगा, इस तरह से हम जाएगा, लेकिन आप सबको प्रोडक्ट करोगे तो आपका जीरो नहीं आएगा। तुम्हें एक चीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड वन थिंग दैट ओके इफ यू
want to find out the zero zero at the end of the number. Okay, अगर the number की end में zero find करना चाहते हो तो उस number का prime factorization 2 and 5 होना चाहिए. It must be, okay, 2 and 5 must be as a prime factor of the number. Number का prime factor 2 and 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 तो है, लेकिन आपको 5 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको end में कोई भी number ले लो, लेकिन end में 0 नहीं आएगा. So, students, अब ये example 5, we cleared, okay. Now, for further part, we will continue in the next period. Okay, till then, do practice it, okay, again and again. Okay, in the next period, we will continue.